तो दोस्तों रियल और मार्केट की तरफ से आप लोग के लिए हाजिर हूँ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों आज एक एप्लीकेशन लेकर आया हूँ जो नॉर्मली सभी आदमी को वो एप्लीकेशन रखना ही चाहिए, जो कि सफ़र करते हैं, कहीं पे भी सफ़र करते हैं या ट्रेन से ज़्यादा सफ़र करते हैं तो वो एप्लीकेशन होना ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों कौन सा एप्लीकेशन है वो सारा प्रोसेसर देखने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों एक एप्लीकेशन है वेयर इज माई ट्रेन, आपको सर्च करना है। ये इसका प्रोसेसेस क्या है दोस्तों, जो सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ आपको। और सभी को ये एप्लीकेशन होना चाहिए, सभी को मोबाइल में होना चाहिए। थोड़ा बहुत तो ज़रूरी है, कोई सफ़र ही करते होंगे और ज़्यादा दूरी का सफ़र करते होंगे तो ये होना ही चाहिए ये एप्लीकेशन, ठीक है। मैं भी सफ़र किया हूँ तब जाके मालूम पड़ा ये एप्लीकेशन हमको होना चाहिए। तो आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है वेयर इज माई ट्रेन, जो कि मैं पहले से डाउनलोड किया हूँ। यहाँ देखें, मैं पहले से डाउनलोड कर रखा हूँ। इसका आप लोगो देख लीजिएगा, सर्च हो जाता है इसका लोगो, यहाँ पे अच्छी तरह से देख लीजिए। 10 मिलियन डाउनलोड है और 4.7 का रेटिंग है, 10 मिलियन यानी 1 करोड़ ये डाउनलोड है, ठीक है। तो मैं चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के मैं कुछ प्रोसेस से बता देता हूँ। मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो ये एप्लीकेशन हमको ज़रूरत पड़ा और बहुत ही ज़रूरी पड़ा, ठीक है। मैं हमको जाना था दूसरे जगह, जो कि मैं सर्च, इसमें आप कोई भी ट्रेन को लाइव देख सकते हैं, ठीक है। आपको कहीं से भी जाना है तो लाइव देख सकते हैं। जैसे कि मैं बाग एक्सप्रेस से कल गया था और बाग से एक्सप्रेस से मैं आया, तो यहाँ पे मैं सर्च किया हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी जो है देखिए, एक करेंट जो बाग एक्सप्रेस अभी बरौनी चौर केबिन में है, ठीक है। और कितने टाइम में एक दिन कर ग्राम सिमरिया, ठीक है, यहाँ से खुली है जो 6:58 में खुली है और यहाँ पे राइट टाइम में आई है। और यहाँ पे अभी जो है 5 मिनट लेट है, बरौनी जंक्शन पे 5 मिनट लेट पहुँचने वाली है, ठीक है। तो ये लाइव दिखाएगी ट्रेन को जो निशान है यहाँ पे देख सकते हैं। इसको रिफ्रेश करेंगे तो फिर से देखिए दिखा देगा, यहाँ पे केबिन पहुँच गई है, ठीक है। यहाँ पहुँच गए, यहाँ पे चलने के बाद आपको कहाँ कितने बजे लेकर जाएगी, कितने घंटा लेट लेकर जाएगी, सारा प्रोसेस इसमें इस यहाँ पे देख सकते हैं इस एप्लीकेशन में, ठीक है। और अगर ट्रेन में होंगे तो यहाँ पे लिखा होगा कि आप ट्रेन में हैं, तो आप हाँ कर दीजिएगा तो लाइव दिखाते जाएगा आप कौन सा स्टेशन पर जा रहे हैं, ठीक है, और कहाँ तक जाएगी ये सारा चीज़। इसी तरीक़ा से आप कोई भी ट्रेन को नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि ये नंबर है, यहाँ नंबर या स्टेशन का नाम, स्टेशन कोड या स्टेशन का नाम भी डालकर सर्च कर सकते हैं, या तो यहाँ पे नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं। अगर ये नंबर डालेंगे तो यहाँ पे मेरा एक पैसेंजर था, जो कि मैं पैसेंजर से गांव आया तो यहाँ पे 62268 टाइप किया, तो ये पाटलिपुत्र मुजफ्फरपुर मेमू का पैसेंजर का दिखा दिया, ठीक है, जो कि यहाँ पर दिखाएगा तो कितने बजे गाड़ी है, अभी क्या नहीं है गाड़ी। या देखिए मुजफ्फरपुर जंक्शन पर पहुंच गई है, ये मुजफ्फरपुर जंक्शन पे अंत में पहुंच चुकी है और कितने बजे पहुंची है अंत में देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीक़ा से आप कोई भी ट्रेन को इस एप्लीकेशन में सर्च कर सकते हैं, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर हमको जाना है मुजफ्फरपुर से और हमको जाना है दिल्ली, दिल्ली के लिए नई दिल्ली का सर्च करता हूँ तो जितना भी गाड़ी होगा दिखा देगा यहाँ पे। यहाँ पे बिहार शपथ क्रांति एक्सप्रेस है जो रोज़ चलता है, 10:30 AM में खुलता, अभी सवेरे खुलेगा और 5:30 AM में पहुँचा देगा, कल सवेरे पहुँचाएगा। बिहार शपथ क्रांति रोज़ चलता है, वैशाली सुपरफास्ट रोज़ चलता है, नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो यहाँ पे मंगलवार को और सैटरडे को चलता है, स्वतंत्रता सेनानी रोज़ चलता है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कौन सा गाड़ी कितने कौन सा टाइम में आने वाला है, कितने टाइम में जाने वाला है, ठीक है। मुजफ्फरपुर जंक्शन से दिल्ली के लिए यहाँ पे अमरपाली है, शहीद है, इसी तरीक़ा से आप देख सकते हैं बहुत सारे ट्रेन हैं। तो आप कौन सा ट्रेन सूटेबल लगता है तो घर बैठे बैठे आप वो कौन सा ट्रेन पकड़ना चाहते हैं वो घर बैठे बैठे आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 10:30 में बिहार शपथ क्रांति, इस पर जब क्लिक करेंगे तो इसका लाइव दिखाएगा ट्रेन अभी कहाँ पे, दरभंगा जंक्शन से शुरू नहीं हुई है, 8:25 में दरभंगा स्टेशन पे ये जो गाड़ी का निशान है ना ऊपर, वो अभी दरभंगा में लगी हुई है,
अभी खुली नहीं है, जो 8:25 में खुल जाएगी, ठीक है। इसी तरीक़ा से मुजफ्फरपुर कितने बजे आएगी, यहाँ पे 10:30 में आएगी। अगर लेट होगा तो यहाँ पे रेड कलर का टाइम दिखाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको पैसेंजर का भी सर्च करना है तो पैसेंजर का भी सर्च कर सकते हैं, एक्सप्रेस का सर्च करना है तो एक्सप्रेस का भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ गाड़ी का संख्या भी डाल के सर्च कर सकते हैं और टिकट का भी पूरा दिखाया रहता है, यहाँ पे कितने का टिकट लगता है वो भी दिखाया जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एक मिनट, यहाँ सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए 285 बिहार सुपथ क्रांति का रेट है, वैशाली सुपरफास्ट का इतना 285 है। इसी तरीक़ा से आपको रेट भी दिखाएगा जनरल का, ठीक है। और एसी का क्लिक करेंगे, यहाँ पे जनरल है तो यहाँ पे जो भी आपको चाहिए, एसी चाहिए, डीसी चाहिए, स्लीपर चाहिए, जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसका स्लीपर क्लास का है तो इसका रेट दिखा देगा लाइव, ठीक है। तो आप घर बैठे बैठे कोई भी ट्रेन को देख सकते हैं, जो कि हमको ज़रूरत पड़ा कल, तो हमको ये एप्लीकेशन के बारे में पता चला, हम आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, यहाँ पे टिकट चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे PANR चेक कर सकते हैं, जैसे कि आप रिजर्वेशन करवाए हुए हैं पहले से तो यहाँ पे आपका सीट कंफर्म है या नहीं, आप वेटिंग करवाए हुए हैं तो यहाँ से आपका PANR टाइप करके अपना यहाँ पे चेक कर सकते हैं जो आपका कन्फर्म हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पर टिकट चेक कर सकते हैं, ठीक है, जो किस तारीख का टिकट खाली है, किस तारीख का टिकट अभी रिजर्वेशन अगर करा रहे हैं तो किस तारीख का खाली है, जो कंफर्म है, और किस तारीख का वेटिंग है, कितने वेटिंग में चल रहा है, उस सारा चीज़ दिखा देगा, ठीक है। यहाँ रेल स्थिति दिखा देगा, बाकी बात यहाँ पे सेटिंग है, ऐप बांटे यानी कि शेयर कर सकते हैं, आपका इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रेटिंग भी दे सकते हैं, फेसबुक ये सब देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन हमको लगा, लाइव हम देख कहीं पर भी गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और स्टेशन लाइव देख सकते हैं। नेट खोल के आराम से एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए, आपका कौन सा ट्रेन कौन सा स्टेशन पर ट्रेन आपकी खड़ी है वो सारा लाइव दिखा देगा आपको। बाहर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा जो कौन सा ट्रेन है भैया, थोड़ा सॉरी कौन सा स्टेशन आ गया है सो बता दीजिए, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। अगर एंड्रॉयड यूजर हैं तो बहुत ही अच्छा है, और नॉर्मली सबको ही मोबाइल में एप्लीकेशन होना चाहिए, जो कि हमको हम जब सफ़र किए हैं तो हमको ज़रूरत पड़ा, तो हम आप लोग के साथ शेयर समझे जो शेयर करना चाहिए एप्लीकेशन को, और अच्छा लगा इसलिए हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ जो ताकि पता चले, और घर बैठे ही सारे ट्रेन को टाइमिंग, टिकट का PANR टिकट सब लाइव देख सके घर बैठे ही, कौन सा ट्रेन पकड़ना है, कितने टाइम में कौन सा ट्रेन है, सारा चीज़ इस एप्लीकेशन में आपको दिखा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, जो दोस्त को पता नहीं है वो उनको भी पता हो जाए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, और लाइक के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से यह होगा जो कोई भी वीडियो मैं डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा और वीडियो को देख पाएंगे। और दोस्तों मैं इस चैनल पे अर्निंग से रिलेटेड भी वीडियो बनाते रहता हूं, कैसे आप मोबाइल से अपने खर्चे, मोबाइल का खर्चा जो रिचार्ज का खर्चा होता है वो कैसे निकाल सकते हैं, सारा अपडेट इसमें डालते रहता हूँ, बहुत इसमें टेक्निकल कुछ वीडियो भी डालते रहता हूँ। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि मिक्स वीडियो आपको मिलेगा और हर एक तरह का वीडियो हमारे चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा। और जो दोस्त सब्सक्राइब कर लिए हुए हैं उनके लिए दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। और दोस्तों आप लोग जितने सब्सक्राइब करेंगे उतना ही मनोबल हमको बढ़ेगा, और जितना मनोबल बढ़ेगा उतना ही अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जब तक के बाय बाय दोस्तों। और दोस्तों एक बात मैं बताना भूल गया हूँ, जो मेरे चैनल पे आप अच्छी से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं दोस्तों, मैं विड्रॉल जैसे पेटीएम में या पेपल में सब मैं प्रेम पेमेंट प्रूफ के साथ ही आप लोग के लिए लाता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ दिल से मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए।
और वीडियो को लाइक कीजिए।